तो यार अभी फाइनली हमारे गेम में फुल मैप का नया रैंक का सीजन 30 आ चुका है। एंड मुझे पता है यार कि आप में से ना बहुत सारे लोग इस सीजन ग्रैंड मास्टर पहुंचने की सोच रहे होंगे। एंड अगर आप ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश कर रहे हो ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी है यार, जिसे अगर आप अच्छी तरह से यूज करते हो ना अपने गेम में तो आप काफी इजिली एक ही दिन में ना ग्रैंड मास्टर पहुंच जाओगे। तो यार बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। एंड हाँ, ये वीडियो ना थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आपकी बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले आप सभी को ये बताता हूँ कि जब हमारा रैंक का सीजन स्टार्ट होता है ना तो उस टाइम पे आपको कौन से मोड में रैंक पुश करना चाहिए। आपको सोलो में रैंक पुश करना चाहिए या फिर ड्यूओ में या फिर स्क्वाड में रैंक पुश करना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंच सको। तो सबसे पहले बात करें सोलो मोड की, तो यहाँ पर देखो मेरा रैंक अभी हीरोइक 5 स्टार है। एंड इस मैच में ना मैंने 9 किल्स किए हैं। 9 किल्स करने के बाद ना मेरे को टोटल 25 का रैंक पॉइंट्स मिला है। एंड इसके बाद एक और मैच में 6 किल करने के बाद ना मेरे को टोटल 24 का रैंक पॉइंट्स मिला है। एंड वहीं इसके बाद मैंने स्क्वाड में रैंक पुश करते टाइम ना सिर्फ 2 किल किया है, बट उसके बाद ना मेरे को टोटल 31 का रैंक पॉइंट्स मिला है। एंड यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे को ना इस मैच में चार तरह के रैंक पॉइंट्स मिले हैं। पहला है रैंक स्कोर, दूसरा है बैटल स्कोर, तीसरा रैंक पॉइंट मेरे को मिला है हेल्प अप से, यानी कि जब आपका कोई टीममेट नॉक हो जाता है ना तो उसके बाद अगर आप उसे रिवाइव देते हो तो वहां पर भी आपको रैंक पॉइंट मिलते हैं। एंड चौथा रैंक पॉइंट मेरे को मिला है रिवाइव से, यानी कि जब आप अपने टीममेट को रिवाइवल पॉइंट का यूज करके रिवाइव देते हो ना तो वहां पर अगेन आपको रैंक पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहां पर देखो अगर आप ड्यूओ या फिर स्क्वाड में रैंक पुश करते हो ना तो आपको चार तरह के रैंक पॉइंट्स मिलते हैं, बट वहीं अगर आप सिर्फ सोलो में रैंक पुश करते हो ना तो वहां पर आपको सिर्फ रैंक स्कोर एंड बैटल स्कोर मिलता है, जिससे कि ऑब्वियसली आपको कम रैंक पॉइंट्स मिले हैं। एंड साथ ही देखो ड्यूओ या फिर स्क्वाड खेलने में ना आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। एंड अगर आप स्टार्टिंग में मर जाते हो ना तो आपका बहुत ज्यादा माइनस लग जाता है। सोलो में क्या होता है कि आपके पास वहां पर सिर्फ एक ही चांस होता है, बट वहीं ड्यूओ या फिर स्क्वाड मोड में अगर आप 10 बार भी मर जाते हो ना तो अगर आपका टीममेट अलाइव है तो वहां पर आपको 10 बार रिवाइव मिल सकता है। एंड साथ ही जब आप किसी बंदे को फिनिश करते हो ना तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 का डैमेज मिलता है, बट वहीं जब आप ड्यूओ या फिर स्क्वाड मोड में किसी बंदे को फिनिश करते हो ना तो वहां पर आपको डबल डैमेज मिलता है। एंड अभी देखो यार आप सभी को ना एकदम क्लियर व्यू मिल गया होगा कि अगर आप ड्यूओ या फिर स्क्वाड में रैंक पुश करते हो ना तो आप काफी इजीली ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। एंड यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपके पास एक अच्छी स्क्वाड नहीं है ना तो आप ड्यूओ में ही रैंक पुश करो, क्योंकि अगर आप सीजन के स्टार्टिंग में स्क्वाड में रैंक पुश करते हो ना तो आपकी लॉबी बहुत ज्यादा हार्ड आती है। एंड अगर वहां पे आपके स्क्वाड के तीनों बंदे खत्म हो जाते हैं ना तो आपके सामने 1v4 का सिचुएशन आ जाएगा। एंड 1v4 का सिचुएशन ना बहुत ज्यादा टफ होता है, तो अगर आपके पास एक अच्छी सी स्क्वाड नहीं है ना तो आप ड्यूओ में रैंक पुश करो। ड्यूओ में देखो अगर आपका टीममेट मर भी जाता है ना तो आपके सामने 1v2 का सिचुएशन आता है। एंड 1v2 का सिचुएशन हैंडल करना ना उतना भी ज्यादा टफ नहीं होता है। ड्यूओ में रैंक पुश करना ना सोलो एंड स्क्वाड से भी ज्यादा इजी है। अब यार इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स होते हैं ना वो कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मेरे स्क्वाड में ना अभी 3 ग्रैंड मास्टर वाले बंदे हैं। एंड जब मैंने यहाँ पे अपनी स्क्वाड की स्किल चेक की ना तो अभी आप ऑब्जर्व करो यार कि हम चारों बंदे ना यहाँ पे 2 कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। पहला है एक्टिव कैरेक्टर में के कैरेक्टर एंड दूसरे पैसिव कैरेक्टर में ना हम सभी मिशा कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप भी ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश कर रहे हो ना तो आप सभी को एक्टिव कैरेक्टर में के कैरेक्टर एंड पैसिव कैरेक्टर में ना एक मिशा कैरेक्टर को जरूर से यूज करना है। एंड इसी के साथ जो बाकी 2 स्लॉट है ना उसमें आप लुकेटा, केली फोर्ड या फिर मैक्सिम का यूज कर सकते हो। इन चारों कैरेक्टर में आप 2 कैरेक्टर का यूज जरूर से कर लेना। एंड साथ ही आपको लोड आउट के बेसिक में ना हमेशा स्कैनर ही लेना है। इसके बाद सर्वाइवर में आप बॉनफायर ले सकते हो या फिर आप उसके जगह ना एयरड्रॉप भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे एयरड्रॉप का यूज करते हूँ क्योंकि देखो अगर आप लास्ट जोन में रिवाइव होते हो ना तो वहाँ पर आपके पास लूट नहीं होती है, तो आप किसी अच्छे वाले हाइड प्लेसेस पे उतर के ना वहाँ पर आप एयरड्रॉप मंगा सकते हो। एंड फिर आप अपने एयरड्रॉप से गन लेके काफी इजिली बंदे को किल कर सकते हो। अब फिर इसके बाद जब आपका मैच स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी लॉबी में कैसे बंदे आए हैं। अगर आपकी लॉबी में बहुत ही ज्यादा तगड़े बंदे आए हैं ना तो आपको वो मैच ना पूरी अच्छी तरह से खेलना है, पूरे साथ रह के खेलना है एंड थोड़ा सेफ खेलना है। बट वहीं अगर आपकी लॉबी में थोड़े नूब जैसे बंदे आते हैं ना, जैसे कि देखो इस मैच की लॉबी में बहुत सारे बंदे ऐसे लग रहे हैं जिन्हें अच्छी तरह से खेलना नहीं आता है, तो ऐसे लॉबी में ना आपको ज्यादा से ज्यादा किल करने का ट्राई करना है, जिससे कि ना आपको ज्यादा रैंक पॉइंट्स मिल सके। अब यार जब आपका मैच स्टार्ट होता है ना तो अब बारी आती है लैंडिंग की। अगर आप अच्छी तरह से लैंडिंग नहीं करते हो ना तो आप स्टार्टिंग में ही हो जाओगे एंड वहां पर ना आपको बहुत ज्यादा माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे लैंडिंग करनी है। तो देखिए सीजन के स्टार्टिंग में ना आपको मैप के हर एक कोने में कोई ना कोई एनिमी जरूर मिलेगा, तो इसलिए ना लैंडिंग आपको उसी जगह पे करनी है जिस जगह को आप अच्छी तरह से जानते हो। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे हमेशा लैंडिंग करते हैं न्यूरोक डैम पे। एंड यहाँ पे देखिए लैंडिंग करते टाइम अगर आपके स्कैनर में कोई बंदा दिख जाता है ना तो आपको ना थोड़ा यहाँ पे साइड में उतर जाना है। जैसे कि देखिए मेरे टीममेट्स ना उधर न्यूरोक डैम पे उतरे थे एनिमीज के साथ एंड मैं यहाँ पे उनसे थोड़ा दूर इस डबल बालकनी वाले घर में उतर गया हूँ, जिससे कि अगर स्टार्टिंग में
मेरे सभी टीममेट्स फाइट लेते टाइम एलिमिनेट हो जाते हैं ना, तो यहाँ से मैं काफी इजीली एस्केप होके उन्हें बाद में रिवाइव दे सकता हूँ। एंड यहाँ पे ना इस मैच में ना वही होता है जो मैं सोच रखा होता हूँ, यहाँ पे मेरे सारे टीममेट्स मर जाते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि मैं साइड में उतरा होता हूँ ना, तो मैं काफी इजिली उधर से निकल के इधर आ जाता हूँ शिपयार्ड पे। एंड इधर मैं थोड़ा देर वेट करने के बाद ना सबसे पहले टोकन ढूंढ के मैं अपने एक टीममेट को रिवाइव देता हूँ। एंड जब मेरा एक टीममेट रिवाइव हो जाता है ना, तो बाकी टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए मैं यहाँ पे जोन के बाहर शिपयार्ड में वेट करता हूँ। एंड देखिए अगर आपके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन आता है ना, तो आपको जोन के बाहर ही रिवाइव देना अगर आप रिवाइवल पॉइंट का यूज कर रहे हो। अगर आप जोन के अंदर रिवाइवल पॉइंट का यूज करते हो ना, तो वहाँ पर आपके ऊपर पूरी स्क्वाड आके आपको काफी इजिली मार के चली जाएगी। अब यार स्क्वाड में रैंक पुश करते टाइम ना एक बंदे को ना बाइक लेके घूमते रहना है मैप में। एंड वहाँ पे जितने भी आपको सप्लाई मिलते हैं ना, उन सभी सप्लाई को ना आपको कलेक्ट करते रहना है। जब आप इन सभी सप्लाई मिशन को कम्प्लीट करते हो ना, तो यहाँ पर आपको सुपर मेडिकेट मिल जाता है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड इसी के साथ आपको इसमें ग्लोअल इनहेलर एंड एचपी बूस्टर मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप एक मिशन को कम्प्लीट करते हो ना, तो वहाँ पर आपको 400 कॉइन मिल जाते हैं। एंड अभी आप सोचिए यार, जब आप 3-4 मिशन को कम्प्लीट कर लोगे तो वहाँ पर आपके पास कितने सारे कॉइन्स होंगे। एंड जब आपके पास बहुत सारे कॉइन होंगे, तो आप काफी इजिली अपने गन्स को अपग्रेड कर सकते हो। एंड साथ ही अगर आपका कोई टीममेट मरता है ना, तो फटाक से उसे रिवाइव भी दे सकते हो। तो ये चीज करने के लिए ना आपको अपने एक टीममेट को जरूर से बोलना है कि भाई तू बाइक लेके ना सिर्फ सप्लाई ढूंढ एंड सप्लाई कलेक्ट कर। एंड सच में बता रहा हूँ यार, अगर आपकी टीम में कोई एक बंदा ऐसा करता है ना, तो आप काफी इजिली उस मैच को बुया निकाल लोगे। अब बात करते हैं कि रैंक पुश करते टाइम आपको कौन से गन्स का यूज करना चाहिए जिससे कि ना आप काफी इजिली एनिमीज को मार सको। तो लॉन्ग रेंज के लिए ना मैं आपको 4 गन्स रिकमेंड करूंगा। पहला है M14-3, दूसरा SCAR-3, तीसरा है M4-A1-3 एंड चौथा है AC-80। एंड शॉर्ट रेंज में अगर आपके पास M10 एंड MP40 का EVO गन है ना, तो इसे आप जरूर से यूज करना। एंड वहीं अगर आपके पास EVO गन नहीं है ना, तो आप MP5-3 का यूज करना या फिर आप MAG-7 का यूज करना। MP5 देखिए मिड रेंज में ना MP40 से बहुत ही ज्यादा तगड़ी चलती है। अब यार जब आप अच्छी तरह से लूट कर लेते हो ना, तो वहाँ पर आपको मैप में एक बाइक ढूंढना है। एंड अगर आपने मिशा करेक्टर को इक्विप किया है ना, तो वहाँ पर अगर आपको बाइक मिल जाता है ना, तो काफी इजिली उस मैच को बोया कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बाइक का यूज करते हो ना, तो जब कोई एनिमी आपके ऊपर फायर करेगा ना, तो उसका डिफॉल्ट एम आपके ऊपर नहीं आएगा, जिससे कि ना बाइक चलाते टाइम ना आप वहाँ बिना अश्वत्थामा बन जाओगे। यानी कि ना कोई बंदा ना आपको मार ही नहीं पाएगा जब तक कि आप बाइक से नहीं उतर जाते हो। तो इसलिए अगर आप किसी बंदे को स्पॉट कर लेते हो एंड वो बंदा अगर कवर में चला जाता है ना, तो वहाँ पर आपको बाइक से कभी भी नहीं उतरना है। आपको उस बंदे के ना ओपन में आने का वेट करते रहना है। एंड जैसे ही वो बंदा ओपन में आता है ना, तो आपको सलमान बाइक की तरह उसे ठोक देना है। एंड वहाँ पर अगर आपने उसे बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया एंड फिर भी वो बंदा नहीं मरा ना, तो आप बाइक से उतर के काफी इजिली उसे 1 या 2 बुलेट में फिनिश कर सकते हो। देखो अगर आप बाइक का यूज कर रहे हो, वहाँ पर अगर आपके सारे टीममेट्स एलिमिनेट हो गए हैं ना, तो वहाँ पर भी ना आप काफी इजिली top 2 या फिर top 3 कर लोगे। एंड अगर जोन ओपन में बनता है ना, तो आप काफी इजिली उस मैच को बुया भी कर लोगे। तो इसलिए ना आपको रैंक पुश करते टाइम बाइक का जरूर से यूज करना है। अब यार देखो अगर आपको हर एक मैच के बाद फुल प्लस आई है ना, तो आपको वो मैच बुया के लिए खेलना है। एंड जब आप बुया के लिए खेलते हो ना, तो वहाँ पर ना आपको बहुत राइट डिसीजन लेने हैं। अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेते हो ना, तो वहाँ पर आप काफी इजिली हर एक मैच को बुया कर पाओगे। जैसे कि इस मैच में देखो यार, हम लोग इधर पीक पे एक डियो से फाइट ले रहे थे एंड इतने में ना इधर 2 और डियो आ जाती है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि अगर हम यहाँ पे और भी थोड़ा देर फाइट लेते रहेंगे ना, तो हम इन सभी एनिमीज के बीच ना सैंडविच बन जाएंगे। इसलिए हम इधर से ज्यादा फाइट नहीं लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारी बाइक पड़ी होती है, तो हम बाइक लेके फटाक से इधर से निकल जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और सिचुएशन दिखा देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ना मेरे स्क्वाड के सारे टीममेट्स एलिमिनेट हो चुके हैं एंड यहाँ पे जोन भी बहुत छोटा हो चुका है, लेकिन ना मेरे पास अभी बहुत सारे टोकन्स हैं। और हमारे पास का जो वेंडिंग मशीन होता है ना, वो भी जोन के बाहर होता है, बट यहाँ पे ना मुझे उनको रिवाइव देना था, क्योंकि अगर मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव दे देता हूँ ना, तो हम काफी इजिली इस मैच को बुया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक मैक्लेरन दिखती है, तो मैं फटाक से इस गाड़ी को लेकर मैं जोन के बाहर जाके उनको रिवाइव देता हूँ। एंड फिर जब मैं उनको रिवाइव दे देता हूँ ना, तो हम इस मैच को ना लास्ट में बुया भी कर लेते हैं। अब देखिए रिवाइवल पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसे अगर हम यूज करते हैं ना, तो हमारे लिए तो बहुत सही है, लेकिन अगर वही एनिमी यूज करता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंड जैसे हम किसी एनिमी को रिवाइवल पॉइंट का यूज करते हुए देखते हैं ना, तो हम फटाक से उसके ऊपर रश करने के लिए चले जाते हैं उसे मारने के लिए। तो देखो अगर आप किसी बंदे को रिवाइव करते हुए देखते हो ना, तो आपको वहाँ पे अकेले नहीं जाना है, आपको अपने साथ एक टीममेट को लेके जाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा रिवाइव दे रहा है ना, तो आप वरना एक और टीममेट होता है उसको कवर देने के लिए। तो इसलिए अगर आप अकेले जाते हो ना, तो सामने वाले एनिमीज आपको काफी इजिली मार सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा अपने एक टीममेट को साथ में लेके जाना है, जिससे कि ना आप काफी इजिली सामने वाले बंदे को खत्म कर सको। अब यार लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पर आप काफी इजिली लॉन्च पैड से जा सकते हो। एंड जब आप वहाँ पे पहुंच जाओगे ना, तो वहाँ से आप काफी इजिली किल कर सकते हो। सबसे पहले देखिए इस ऑब्जर्वेटरी के ऊपर ना आप काफी इजिली ग्रेवयार्ड के लॉन्च पैड से आ सकते हो। एंड यहाँ पे जब आप एक बार आ जाते हो ना, तो आप काफी इजिली बंदे को किल कर सकते हो। एंड इसके बाद ऑब्जर्वेटरी का लॉन्च पैड यूज करके ना आप हैंगर जा सकते हो। एंड जो आप इस हैंगर के बिलबोर्ड पे आ जाओगे ना, तो यहाँ से भी आप काफी इजिली बंदे को मार सकते हो। एंड अगर आपको और भी ऐसे प्लेसेस के बारे में जानना है ना, तो मैंने अपने चैनल पे ना एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जरूर से इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही यार, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी ना, तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए थे, इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।